नमस्कार। आरएचएमई की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जब आपके सामने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आता है या कोई पेशेंट कोमा में होता है तो उस समय उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है, कैसे ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है ताकि वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंचे जिसको रिकवर करने में मदद मिले, और वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में आ सकता है, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पेशेंट की रिकवरी के चांसेस को बेटर कर सकते हैं। तो इन सब पहलुओं पे इस वीडियो पे क्रम वाइज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियसनेस होती या कोमा की कंडीशन में पहुंचता है। अब हम समझते हैं कि जो क्लिनिकली डेड पेशेंट और एक अनकॉन्शियस या कोमा का जो पेशेंट होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके सामने एक अनकॉन्शियस स्टेट में है तो उसमें दो चीज़ें हैं, क्या वो मरा हुआ इंसान है या वो एक जिंदा इंसान है। इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो एक्शन प्लान है वो डिफरेंट हो जाता है, वो डिफरेंट सिनेरियो में चला जाता है और आपका जो मैनेजमेंट है और आपका जो पेशेंट को शिफ्ट करने की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस या कोमा स्टेट में है जिसमें जब आप उसको पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, दर्द के स्टिमुलस देते हैं तो पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आता, तो एक तो वो स्टेटस है। दूसरा स्टेटस ये है कि पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके साथ साथ पेशेंट की जो सांस की जो मूवमेंट है, पेशेंट के जो हार्ट की जो पंपिंग है, जो मतलब पल्स है, वो भी नहीं होती है। तो ये जो पेशेंट होता है ये क्लिनिकली डेड पेशेंट होता है। इसमें ब्रेन फंक्शंस, कार्डियक फंक्शन और रेस्पिरेटरी फंक्शंस तीनों नहीं होते हैं। लेकिन जो अनकॉन्शियस और कोमा जो पेशेंट होता है उसमें जो ब्रेन एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बट कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं। पेशेंट सांस ले रहा होता है, उसकी पल्स महसूस हो रही थी, वो सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को पहले डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट जो है या जो भी ट्रीटमेंट प्लान जो हम बनाएंगे या पेशेंट को शिफ्ट करने का प्लान करेंगे वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर जाता है यहाँ पे। तो देखिए, दो ही चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो है कि अगर कोई हार्ट बीट नहीं है, कोई ब्रीदिंग नहीं है, कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं है तो इसको हम क्लिनिकली डेड पेशेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोमा जो होता है उसमें जो कॉन्शियसनेस है जो वो डिक्रीज हो जाती है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, ये दोनों चीज़ डिफ्रेंशिएट करने में है। अब देखिए, अब मेन चीज़ क्या है कि हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है कि डिफ्रेंशिएट करने का, कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में, कोई भी ब्रेन की कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट की शुगर कम हो गई है या किसी पेशेंट को ब्रेन का स्ट्रोक हो गया है, उसकी वजह से अगर ब्रेन फंक्शंस डिक्रीज हो गए हैं या उसकी जो कॉन्शियस लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को उसका हार्ट पंपिंग और रेस्पिरेटरी पंपिंग होने से हम उस पेशेंट की प्रॉपर उसको लेफ्ट साइड करवट लिटा के पेशेंट को स्टेबलाइज करके शिफ्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखते हुए कि पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर लेवल एबनॉर्मल है या कम है तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अगर हम शुगर शेशे देते हैं तो पेशेंट को रिकवरी के चांसेस घर तक हॉस्पिटल तक पहुंचने तक पेशेंट बेटर होने की फील आ सकती है, क्योंकि शुगर करेक्ट करके पेशेंट का कॉन्शियस लेवल वापस आ सकता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कॉन्शियस लेवल के साथ साथ पेशेंट के हार्ट और लंग्स जो रेस्पिरेटरी पंपिंग जो है वो नहीं है, हार्ट पंपिंग नहीं है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं है, इसका मतलब पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को CPR करना, मतलब कार्डियो पल्मरी रिसस्टेशन, इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, इसकी अगली वीडियोस में हम बताएंगे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट्स क्या होता है। तो वो बेसिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट को एक्टिवेट करना होगा। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि जो हार्ट की अगर पंपिंग नहीं हो रही है या रेस्पिरेटरी लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड ना पहुंचने की वजह से ब्रेन परमानेंट डैमेज की तरफ जाता है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी की तरफ चला जाता है, तो जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। और ये केवल 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर आपका ब्रेन की एक्टिविटी को अगर खून नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन एक परमानेंट एक डैमेज की तरफ चला जाता है, तो जिसको हमें अगर तुरंत एक्टिवेट नहीं करते, तुरंत CPR नहीं करते तो उसमें हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन करके लंग्स और हार्ट को वापस पंपिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रेन तक उसका खून पहुंच जाए। और ब्रेन तक खून जैसे ही पहुंचेगा तो खून पहुंचने की वजह से जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, और जब आपका पेशेंट के हार्ट की और लंग्स की पंपिंग वापस आ जाती है तो ब्रेन का जो डैमेजेस है वो रिकवर कर जाते हैं और पेशेंट को हम वापस लाने में मदद मिलती है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ध्यान रखना क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ये 10 मिनट जो है ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम है जो कि डिसाइड करता है कि पेशेंट जो है एक इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी में चला जाएगा नहीं चला जाएगा। इसका एक मैं सिनेरियो आपको समझाता हूँ। एक इमरजेंसी का टाइम था, मैं एक इमरजेंसी के एक बड़े इंडिया दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में था उस समय। तो एक 4-5-7 बच्चे थे
उन सात बच्चों के बीच में कुछ एक पार्टी चल रही थी, पार्टी करते करते एक बच्चे को सडन वो अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियस होते हुए पेशेंट को सडनली रेस्पिरेटरी और कार्डिक अरेस्ट हो गया। उस टाइम पे वो चार बच्चे जो उस पेशेंट के साथ थे, वो लोग घबराते घबराते पेशेंट को उठा के पेशेंट को सडनली वो हॉस्पिटल से लेके आए। हार्डली आप ये मान के चले 5-10 मिनट की दूरी पे थे, वो दौड़ाते हुए लेके आए पेशेंट को। हमने इमरजेंसी में पेशेंट को देखा और पेशेंट का CPR किया। CPR करने के बाद पेशेंट का आप सारा रेस्पिरेटरी फंक्शंस, कार्डियक फंक्शंस वापस आए। पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि पेशेंट की सारी चीज़ें वापस आ गई, लेकिन ब्रेन के फंक्शंस वापस नहीं आए। क्योंकि वो मैंने आपको बताया, वो 10 मिनट इतने क्रूशियल होते हैं कि अगर वो बच्चों को पता होता कि भाई बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या करना है, कैसे करना है, अगर वो पेशेंट को उस समय ध्यान रखते और उस तरीके से पेशेंट को शिफ्ट करके लेके आते, तो हो सकता था उसकी जो ब्रेन की जो इरिवर्सिबल इंजरी में जो ब्रेन चला गया है, वो हम रिवर्सिबल कंडीशन में मेंटेन करके रखते और पेशेंट को रिवाइव करने में मदद करते। क्योंकि एज ए डॉक्टर या एज ए इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर, हमें भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में मिलना चाहिए जिसको हम रिकवर करने में हेल्प कर सकें। अगर वो क्रूशल टाइम ही निकल जाएगा तो पेशेंट को रिकवर करने में हमें दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट या कोमा में पेशेंट अगर हमें दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर सांस ले रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि पेशेंट का दिल भी चल रहा होगा, क्योंकि सांस तभी लेगा जब दिल चल रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सांस नहीं चल रही और दिल भी नहीं चल रहा, तो वो दोनों चीज़ें सिनेरियो आपको एक्टिवेट करना है कि पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट, पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, CPR करना जरूरी है। उसको किस तरीके से करना है, उसको हम विस्तार से अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। अब हम समझते हैं इस एल्गोरिदम से कि कैसे एक अनकॉन्शियस या कोमा पेशेंट को एक क्लिनिकली डेड पेशेंट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ट्रीटमेंट प्लान में क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, और किस प्रकार से पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने पे ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है या जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम है वो मिलता है, तो सबसे पहले आप उस पेशेंट की रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे कि वो पेशेंट आपकी कोई बात या सुनने पे या कोई आपके पेनफुल स्टिमुलस देने पे रिस्पॉन्स कर रहा है या कहीं नहीं कर रहा। तो अगर मान लीजिए पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब पेशेंट आपकी तरफ एक रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं, वो डिक्रीज रिस्पॉन्स है। तो इफ रिस्पॉन्स इज देयर, एक तो पहली चीज है। फिर हम चेक करेंगे क्या पेशेंट सांस ले रहा है। अगर सांस ले रहा है और रिस्पॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जिंदा है, क्लिनिकली लाइव है, उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो कम है, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। रिकवरी पोजीशन मैंने बताया था, लेफ्ट साइड करवट लेके पेशेंट को लिटाना है। रिकवरी पोजीशन हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे होता है रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में रखने के बाद हम पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे या अपनी कार में शिफ्ट करेंगे और रिकवरी पोजीशन में शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा सिनेरियो है जो एक हो गया, जिसमें हम रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। अब मान लीजिए पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है, पेशेंट मतलब आपके जो बात है या आपके जो पेनफुल स्टिमुलस है उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर आप पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करने के लिए 3 पॉइंट हैं, एक तो लुक है, एक लिसन है, एक फील है। लुक मतलब आप उसकी जो चेस्ट की जो मूवमेंट है उसको ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे। लिसन मतलब अपने कान को पेशेंट की नाक के पास लाके उसकी जो सांस की जो आवाज़ है उसको सुनेंगे। फील मतलब जो भी सांस की जो हवा है जब आपके कान पे या कहीं पे टकराती है उसको देखेंगे। तो ये फील, लुक एंड लिसन एंड फील, ये 3 क्राइटेरिया है जिससे आप पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको जज करेंगे। और ये केवल हम 10 सेकंड करेंगे। 10 सेकंड में करीब आप मान के चले पेशेंट 2 बार ब्रीद कर लेता है, तो दो ब्रीद को चेक करना होता है और 10 सेकंड का टाइम होता है। अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा है, इफ पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, तो हम क्या करेंगे, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे पेशेंट को। 2 रेस्क्यू ब्रेथ में क्या होता है कि पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। वो बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम आपको क्लियरली समझाएंगे कैसे करना है। इसके बाद हम पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करेंगे। एक तो हमने ब्रीदिंग चेक करी, ब्रीदिंग अगर नहीं है, 2 रेस्क्यू ब्रेथ दिया, लेकिन अगर ब्रीदिंग है, मतलब अगर ब्रीदिंग अगर है, तो पेशेंट का अगर हमने कैरोटिड पल्स चेक करी, अगर कैरोटिड पल्स को चेक करने के बाद, कैसे कैरोटिड पल्स चेक करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। कैरोटिड पल्स को चेक करने में क्या करना है,
अगर हम कैरोटिड प्लस चेक करते हैं और पेशेंट की पल्स आ रही है, इसका मतलब पेशेंट का हार्ट जो है पंप कर रहा है, तो अगर सर्कुलेशन, अगर चेक कैरोटिड पल्स आ रही है, इसका मतलब सर्कुलेशन प्रेजेंट है। अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ब्रीदिंग आ रही है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन दोनों चीजें, इसका मतलब पेशेंट को फिर रेस्क्यू ब्रेथ देते रहेंगे और पेशेंट का जैसे ही सांस आ जाएगी, पेशेंट को फिर रिकवरेबल पोजीशन में रख के फिर पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, अगर मान लीजिए पेशेंट को सर्कुलेशन नहीं है, आपको कैरोटिड बल्स नहीं फील हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और वो कंप्रेशन जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट के जो क्राइटेरिया है उसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। और इस चेस्ट कंप्रेशन का क्राइटेरिया है कि जैसे ही कैरोटिड पल्स आ जाएगी, जैसे ही पेशेंट का ब्रेथ ब्रीदिंग वापस आ जाएगी, तब तक हम ये करेंगे, या कोई मेडिकल एड या कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती तब तक हम इस चीज़ को करते रहेंगे। तो यही तरीका है जिससे आप ब्रेन तक के जो उसका सर्कुलेशन है, ब्रेन तक जो उसका ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उसको आप मेंटेन करेंगे, ताकि पेशेंट का जो ब्रेन की जो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज की तरफ जो जा सकता है, उसको हम प्रोटेक्ट करके पेशेंट की लाइफ को हम बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमने बात करी थी कि ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसको चेक करने के लिए हम तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो लुक हो गया, एक लिसन हो गया, एक फील हो गया। लुक मतलब आप चेस्ट की जो मूवमेंट्स है, अप एंड डाउन मूवमेंट्स है, उसको चेक करेंगे। 10 सेकंड में दो ब्रेथ एटलीस्ट आनी चाहिए जो आपको फील कराएगी कि पेशेंट सांस खुद ले रहा है। लिसन मतलब आप पेशेंट के माउथ पे अपने कान को रखेंगे, और सुनेंगे उसकी हवा की जो साउंड्स हैं वो किस प्रकार से आ रही है, जो उसकी माउथ और नोज से आ रही है, उस आवाज को सुनेंगे। दूसरी चीज क्या है कि पेशेंट को फील करेंगे उसकी चीक्स को, अपनी चीक्स को उसकी नाक की तरफ या मुंह की तरफ लाके, क्योंकि चीक हमारी जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है, जैसे ही उसको कुछ टकराएगा, हवा टकराएगी, तो उसको फील होगा। तो ये 10 सेकंड का सिनेरियो है। इस 10 सेकंड्स में दो बार आपको चीक पे फील हो जाएगा, और अगर आपको फील होता है इसका मतलब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है। फिर हम सर्कुलेशन को चेक करेंगे। सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स को चेक करने का तरीका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब हम समझते हैं कि सर्कुलेशन को चेक करने के लिए जो हम कैरोटिड पल्स कैसे चेक करेंगे। देखिए हमारा ये जो है एक गर्दन है, और ये हमारी विंड पाइप है जिससे हमारी सांस जाती है। तो पेशेंट को एक एक तरफ करवट लाके, मतलब गर्दन को एक तरफ एक्सटेंड करके, उसकी दो उंगलियां जो होती है हमारी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होती है, उससे इसको दबाएंगे अगेंस्ट दी ट्रेकिया, मतलब जो हमारी विंड पाइप है उसके अगेंस्ट में दबाएंगे, और करीब करीब मान के चलिए 10 से 15 सेकंड इसको दबा के रखेंगे। तो 10 से 15 सेकंड जब आप दबाएंगे तो आपकी जो कैरोटिड पल्स है वो आपकी उंगली के नीचे आएगी, और आपको फील होगा कि कुछ बीट कर रहा है। तो अगर ये बीट आपको फील हो जाती है 15 सेकंड में, जितनी बार फील होती है आपको 15 सेकंड में, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक मिनट में इतनी बार बीट हो रही है, इसका मतलब इतनी पल्स है, इतनी हार्ट रेट है जो पेशेंट ब्रीथ कर रहा है। तो ये जो सिनेरियो है ये आपको जज करने में मदद करता है कि पेशेंट की जो कार्डिक एक्टिविटी है वो किस प्रकार की है। हमेशा ये याद रखिएगा, हमें सर्कुलेशन अगर चेक करना है कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट में, हम हमेशा गर्दन को एक तरफ फ्लेक्स करके, और एक साइड की जो हमारी विंड पाइप है उस पर ये दो उंगलियों को प्रेस करके अगेंस्ट दैट, और हम फील करेंगे कोई मूवमेंट्स को चेक करेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाथ में भी आपकी पल्स होती है, लेकिन हम हाथ की पल्स को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में कभी कभार ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। तो कम ब्लड प्रेशर में अगर कोई पल्स को अगर फील करेंगे तो बेस्ट जो पल्स होती है वो कैरोटिड होती है, जो फील होती है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी भी दोनों हाथों से दोनों कैरोटिड पल्स फील नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन है, अगर आप दोनों तरफ से दबा देंगे तो ब्रेन की तरफ खून नहीं पहुंचेगा, तो पेशेंट को ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस। और बढ़ जाएंगे। तो कभी भी अगर हमें फील करना है, या कभी भी हमें एक ही पल्स को फील करना है, एक ही कैरोटिड पल्स को फील करना है एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, ताकि हम ये जज कर सके पेशेंट का सर्कुलेशन लेवल कैसा है। तो इस वीडियो में देखिए हमारा जो मेन मोटिव ये है कि कोई भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस या कॉमा स्टेट में है, सबसे पहले ये जज करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट क्लिनिकली डेड तो नहीं है, या वो उसकी जो जिंदगी वो है कि नहीं है, जो कि हम पेशेंट का रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को चेक करके हम पता कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए पेशेंट का सर्कुलेशन और ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मैन्यूवर करना है,
क्या चीजों को एक्टिवेट करना है ताकि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस को हम बेटर करें, ब्रीदिंग पैटर्न और सर्कुलेशन को चेक करने का क्या क्या क्राइटेरिया वो हमने बात करी, और किस प्रकार से पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में वो सारी बात की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी में। तब तक नमस्कार।